हेलो बच्चों, आज हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने वाले हैं। इसमें मैंने एक बैलून लिया है और बैलून को हम एक बाउल में रख रहे हैं और हम एक फ्लावर पॉट बना रहे हैं, ये फेविकॉल, और उसमें पानी मिक्स किया है। अब हम इस फेविकॉल से अपने छोटे छोटे पेपर के पीसेस, आप न्यूज़पेपर के पीसेस भी ले सकते हैं या कोई भी वेस्ट पेपर ले सकते हैं, इनको हम पेस्ट करेंगे अपने इस लिक्विड की हेल्प से। आप चाहें तो बैलून पे डायरेक्ट पहले ये लगा लीजिए फेविकॉल और वाटर का जो हमने मिक्सचर बनाया उसको, और या फिर पेपर को डिप करके इसके ऊपर रखते जाइए। अब हम ऐसे ही एक एक पेपर पेस्ट करेंगे और बैलून को कवर करेंगे। यहाँ हम एक फ्लावर पॉट बना रहे हैं और आप बिल्कुल भी, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी परेशान होने की कि आपके पास न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का यूज़ कीजिए, और न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई भी पुराने पेपर जो आपके पास पड़े हों उनको पीसेस में कट करके रख लीजिए। और फिर ये जो हमने एक लिक्विड तैयार किया है सॉल्यूशन वाटर और फेविकॉल का, उसमें मिक्स करके आप लगाते जाइए पेपर्स। ये देखिए मैंने पूरी उस पर एक लेयर लगा दी है, और एक लेयर लगाने के बाद फिर हम तीन चार लेयर पेपर की लगाएंगे। मैंने पांच के लगभग लेयर लगाई जिससे थोड़ा हार्ड रहता है। ये देखिए धूप में मैंने इसे सुखाया और बैलून भी इसका अलग हो गया है, और नीचे से मैंने उसे थोड़ा दबा दिया है ताकि रखने में आसानी हो। अब हम इसके ऊपर ये POP का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। इस पेस्ट को थोड़ा थिक रखना है और नाइफ की हेल्प से हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो फ्लावर पॉट है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा और हैवी हो जाएगा, और दूसरा ये जो छोटे छोटे गड्ढे आपको दिख रहे हैं पॉट में, सलवटें जो आ गई हैं पेपर में, ये इवन हो जाएंगी, इससे हमें कलर करने में आसानी होगी। और POP आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्ट वाइट कलर कर दीजिए उसके ऊपर और उसके बाद पेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैंने POP लगा दिए पूरे में, अब इसको भी हम धूप में सुखा लेंगे। ये देखिए मैंने धूप में इसको सुखा लिया और नीचे से जैसे देख रहे हैं दबा दिया, जिससे कि इसको हम आसानी से रख सकते हैं। अब आती है कलर की बारी। कलर देखिए मैं एक्रेलिक कलर कर रही हूँ यहाँ पे, एक्रेलिक जो फेविक्रिल कलर आते हैं आपके बॉटल में वही होते हैं। ये थोड़ा सा वाटर का यूज़ जब हम करते हैं तो ये इफ़ेक्टिव होते हैं, जल्दी से छूटते नहीं हैं। और मैंने यहाँ पे जो शेप ले रही हूँ, मैं ट्राइंगल शेप्स बनाने वाली हूँ पूरे पे। मैं अपने पॉट को मल्टी कलर देने वाली हूँ। आप चाहें तो कोई भी कलर, कोई भी डिज़ाइन इस पे बना सकते हैं अपनी चॉइस का, आप बिल्कुल फ्री हैं इसके लिए। और मैं अब ये ब्लू कलर पहले मैंने यूज़ किया, जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना है वहाँ पर इसी कलर को फिनिश करके मैं कंप्लीट करूँगी, कि पहले जहाँ जहाँ ट्राइंगल्स मुझे ब्लू कलर के बनाने थे मैंने बना लिए हैं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट कलर लेने वाली हूँ। तो कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यही डिज़ाइन बनाना ज़रूरी है, आप अपनी चॉइस का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्लावर बनाइए या इसको पूरा प्लेन कर दीजिए, उसके ऊपर डॉट्स कर दीजिए। ये देखिए मैंने मल्टी कलर किए हैं और मैंने कुछ कुछ ट्राइंगल्स की शेप्स ले ली हैं, और अभी बाकी हैं इसमें कलर। मैंने करीब 5-6 कलर यूज़ किए हैं और सब में वाइट मिक्स किया है, डायरेक्ट यूज़ नहीं किए, थोड़ा सा लाइट टोन लेने के लिए। और अब उसके बाद ये देखिए ये इतना प्रेटी लुक आता है इसका, मैंने ब्लैक से आउटलाइन कर दी है, आप भी इसे ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट वीक हम इसके लिए पेपर फ्लावर बनाएंगे। थैंक यू।